गांडे थाना क्षेत्र के झरघट्टा पंचायत के कछैल गांव में मंगलवार की देर रात को एक खपरैल के घर में आग लग जाने के कारण घर में रखे खाद्य पदार्थ सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। हालांकि स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया कि मोहम्मद शमीम अपने भाइयों के साथ दूसरे घर में रहते थे। पुराने घर में घर का सामान रखा हुआ था। मोहम्मद शमीम के चाचा पुराने घर में सोते थे। मंगलवार की रात को अचानक से घर में आग लग गई। आग की लपेटों को देखकर मोहम्मद शमीम के चाचा हल्ला करने लगे। आग की लपेटों को देखकर और अपने चाचा की आवाज सुनकर मोहम्मद शमीम अपने भाई मोहम्मद समसुद्दीन, मोहम्मद समसूल, मोहम्मद मोइन, मोहम्मद अब्बास सहित अन्य परिजनों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और अन्य ग्रामीणों की सहयोग से मोटर से पानी डालकर आग पे काबू पाया। सभी भाइयों ने संयुक्त रूप से कहा कि अगलगी में 2 क्विंटल गेहूं, 5 क्विंटल प्याज, 2 क्विंटल चावल, कंबल, रजाई सहित अन्य बिछावन, लकड़ी, बिचाली, जलावन का सामान सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही अगलगी के बचाव कार्य में घर के छत में लगा हुआ खपड़ा पूरी तरह से टूट गया। सभी भाइयों ने कहा कि अगलगी में लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इधर सूचना पाकर बुधवार की सुबह पंचायत के पूर्व मुखिया प्रकाश यादव, वर्तमान पंच समसूल अंसारी सहित अन्य लोग मोहम्मद शमीम के घर पहुंचे और अगलगी में हुए नुकसान का जायजा लिया। पीड़ित परिवार ने कहा कि घर में वज्रपात हुआ था। वज्रपात की चिंगारी से बिचाली में आग पकड़ लिया, जिसके बाद घर में आग लग गई। घर के मालिक ने बुधवार को गांडे सीओ सफी आलम को आवेदन देकर आपदा राहत कोष के तहत मिलने वाली मुआवजा की मांग की है। तो क्या हुआ था? घर में आग लग गया था। किसका घर में? वो मेरे चाचा जी के घर में सोए हुए थे। नाम बताइए। सबीर अंसारी। सबीर अंसारी के घर में सोए हुए थे, अचानक वज्रपात हुआ तो उससे घर में जान नहीं सका। सब चढ़ उड़ के देखा, अचानक 11 बजे रात में पूरा आँख से हो हल्ला गाँव वाला आके बुझाया। वो हल्ला से पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है गाँव। कितना नुकसान हुआ आग लगने से? क्या क्या खाना बर्बाद हो गया? सारा चीज सामान, सारा खाने पीने का, सारा जलावन उलावन, सुतने बैठने सब चीज का, खाना पीना का सारा इंतजाम जल गया। चावल गेहूँ सब, खाने पीने सारा। आपको खरा सोना चाहिए तो हमारे पास आइए, क्योंकि हम समझते हैं आपके पैसे की कीमत। जी हाँ, सिरसिया के ब्लॉक रोड में स्थित बीबी गोल्ड एंड जेम्स में 22 कैरेट के सोने से निर्मित बहुत ही आकर्षक आभूषण आपके मन को लुभाएगा। आप यहाँ कैरेट मीटर नामक मशीन से सोने की शुद्धता माप सकते हैं। सोने के अलावा यहाँ चांदी के आभूषण का विशाल संग्रह है। साथ ही यहाँ हर प्रकार का ग्रह रत्न और उप रत्न बहुत ही उचित मूल्य पर मिलता है। अपनी ग्रह दशा सुधारने के लिए यहाँ विद्वान ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं। ऑफर के तहत मेकिंग चार्ज में 10% की छूट दी जा रही है। तो बीवी गोल्ड एंड जेम्स में आप विश्वास के साथ आए और मनपसंद आभूषण की खरीदारी करें। पता नोट कर ले, बीवी गोल्ड एंड जेम्स, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह।